ये जा रहे हैं कोला बीच की तरफ। तो रास्ता इस तरह का है, जंगल वाला रास्ता है पूरा। सब लोग डर रहे हैं क्योंकि जंगल है पूरा इस तरह का। चेहरे देख लो सबके डरे हुए, कोला बीच जाते जाते। क्या जाड़ी आ गई, जाड़ी आ गई, आई आई निकल गई है। हम नहीं डरते ज़्यादा, जाड़ी वाले कलर की पहन ली। अच्छा जाते थे मतलब के मैं पता, सही में नहीं पता। हाँ ये पूरे जंगल है, जंगल के अंदर से निकल रहे हैं हम। देखो झाड़ियाँ, देखो देखो ये पार्ट हमारी। बरसात में जो है ना आना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि झाड़ियाँ थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो इसलिए कुछ नजर नहीं आता, रास्ता नहीं नजर आता इसलिए। रोड तो बिल्कुल साफ रहती है, अदरवाइज 500 मीटर जो है वो वही रहता है, रोड साफ रहती है, रास्ता नहीं नजर आता। लेकिन एक और रास्ता है वो दूसरी तरफ से है, लेकिन वो समंदर से आना पड़ता है, वो बोट लेके या यॉट वगैरह लेके। जी पहुंच गए हैं कोला बीच के पार्किंग में, ये गाड़ियां लगी हैं। ये देखो ये है ब्यूटीफुल व्यू यहाँ पे कोला बीच की पार्किंग से, जबरदस्त व्यू आ रहा है। ये देखो ये सनसेट का भी व्यू आ रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ पे। और ये देख लो ये है कोला बीच, ये है कोला बीच व्यू। और जा रहे हैं हम बाइकिंग करने जा रहे हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। इधर पीछे पार्किंग है, गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। और व्यू सामने का मस्त आ रहा है, मस्त ही ये व्यू है। क्लिफ है एक, ऐसे कह रहा है काफी इस तरह से ये। जाते हैं जल्दी जल्दी, पैकिंग कर लेते हैं, पैकिंग करके फिर हमें वापस आना है रिसोर्ट वगैरह भाई, अपने अल्फा बीच अल्फा ओवर रिसोर्ट में। लोकल मार्केट भी है यहाँ पे, लोकल मार्केट है, कुछ खाने पीने का सामान, नारियल पानी है यहाँ पे। ऐसे रास्ता है इस तरह है, अच्छा रास्ता है पूरा, ऑफ रोडिंग है। जो मेन रोड है वहाँ से आपको अंदर लेना पड़ता है वो गाड़ी को, 1 किलोमीटर ऑफ रोडिंग है। इसी तरह का जंगल है, डिफिकल्ट था है रास्ता, अच्छा जंगल है लेकिन वर्थ है। यहाँ पे आगे जो व्यू है अगर अच्छा व्यू होता है, अच्छा है। इस तरह का जंगल पूरा जंगल ही जंगल है। सब ये सीढ़ियाँ आ गई, ये है सब नीचे से खोते होंगे सीढ़ियाँ, सीढ़ियों से सभी आ रहा है। शर्मा जी कैसा है साफ साफ, क्या पता नहीं चल रहा आपको। सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं बस। ये इंडियन नूसा पनीता है। इस तरह का जंगल जंगल है और जंगल के अंदर से हम निकल रहे हैं। सीढ़ियाँ काफ़ी स्टीप है, और क्या बाबू बाबू बाड़ी है। हाँ जी शर्मा जी क्या चल रहा है, हैं
और ये देखो इसके पीछे उतरते हुए आ रहे हैं धीरे धीरे। भगत जी कहाँ हो? आ जाओ। ये देखो क्या और कैसा लग रहा है ऐसी यहाँ पे आ गए आपको हैं? वेरी ब्यूटीफुल वर्थ इट वर्थ इट। फाइनली पहुंच गए हैं कोला बीच पे। आगे कोला बीच ये देखो सामने का व्यू ये कोला बीच और इधर है यहीं पे आपका तो ये है बैठ रहे हैं बाइकिंग करने वाले हम। ये है सारी बोट और ये लोग ऑलरेडी उसमें हैं देखो एंजॉय कर रहे हैं। हाँ नहा भी रहे हम 11 लोग हैं। एक कहाँ गया वो अभी तो ये है टाइकिंग प्लास्टिक की बोट है बनी हुई दो लोग इसमें बैठ सकते हैं और ये चप्पू है ये जिससे ऐसे मार के चप्पू चलाना होता है। ये लेक टाइप का स्टिल वाटर है तो उसमें सी का कोई लेना देना नहीं है तो यहाँ पे 4-5 फीट पानी है उसमें चला के आप राइड इंजॉय कर सकते हो टाइकिंग वाली। अभी तो बैठ गए हैं इसके अंदर यार के अंदर मैं आगे बैठा हूँ पीछे बैठे हैं। अभी हम चप्पू नहीं दिए गए हम ऐसे लटक रहे हैं पानी के अंदर तो हम तो उधर को जाने वाले थे लेकिन ये टक्कर पड़ गई तो हम वापस इधर हो गए। शर्मा जी यार खींचिए गाड़ी को करिए कार्यक्रम शुरू। इसका भी मज़ेदार चीज़ है ये इसका फ्रंट है ये चल शर्मा जी थोड़ा सा लेफ्ट लेफ्ट लीजिए चला रहे हैं पूरी फुल स्पीड में और बाकी कहाँ गए बाकी सारे पीछे रह गए। देखो व्यू यहाँ का हवा इधर में तैरना आता आपको कहीं गड़बड़ हो तो मैं पकड़ लेना मुझे पकड़ लेना ठीक है। वाह वाह ये हम आधे रास्ते आ गए हैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा रश था थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट रमन जी थोड़ा सा लेफ्ट 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 वेरी गुड थोड़ा सा राइट लीजिए राइट। हमने एक ही चप्पू लिया है क्योंकि फिर उनके हमारे एक्सपर्ट हैं ये शर्मा जी तो देखो पीछे सनसेट हो रहा है सनसेट का बहुत ज़बरदस्त व्यू आने वाला अभी ये काइकिंग करेंगे उसके बाद में जाएंगे तो फिर देखते हैं सनसेट का व्यू कैसा है। आगे सुनसान जगह आ गई है ये देखो वाह 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 वाह। शर्मा जी राइट राइट शर्मा जी राइट शर्मा जी राइट नीचे कर लो सर सर थी एकदम से झाड़ी आ गई थी पीछे तो सर बजाना पड़ता है भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से। राइट राइट लेफ्ट शर्मा जी लेफ्ट शर्मा जी लेफ्ट धीरे धीरे ब्रेक 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 ये एंड है यहाँ पे अभी यहाँ से हमने अभी हम यहाँ पे एंड है यहाँ अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे तो हाफ एन आवर का जो कैकिंग है वो आई थिंक सफिशेंट है तो एक घंटे में बहुत ज़्यादा रहता है आधा घंटा ही कर सकते हो नहीं सफिशेंट है आधे घंटे का कैकिंग जो है ये हमें कितना 250 रुपये का 200 रुपये का पड़ा है हमें पर पर्सन ये करने का भैया भारी है ना दोनों ही ऐसे करो थोड़ा इससे चप्पू से करो ना निकल के आ गए
नहीं चल पड़ी है, चल पड़ी है। मेहनत का फल मीठा होता है। मीठा फल कौन ले रहा है? सारा सारा को जा रहा है मीठा फल। शर्मा जी शर्मा जी ला रहे हैं ना, उन्हें पसीना आ रहा है। क्या आ गया, ये क्या है? हमारे खतरनाक एरिया है, जहाँ से चलाना पड़ता है, जहाँ से निकला पड़ता है, जंगल है दोनों तरफ, बहुत खतरनाक एरिया है। फाइनली सन की एक झलक नजर आई है और आपको फेस से दिख रहा होगा, उधर तो बहुत अंधेरा था उस साइड में। तो हम अब वापस जा रहे हैं, झाड़ियों से बड़ा पंगा पड़ता है। किधर ले जी आओ, तो बाकी के लोग भी आ गए हैं, बाकी के हमारे साथी जो हैं वो भी आ गए हैं फ्रेंड्स। तो क्या रहा मैं आपके, हम तो आगे एंटर जा रहे हैं, यूटर्न लेके आ गए। तुम अकेले हो, टकराओगी जब। शर्मा जी ये आ गए हैं, आइए आइए, ये देखिए देखिए, अब आए हैं। जब हम वापस आ गए हैं वहाँ से घूम के, तो तब आ रहे हैं, बताओ। सबकी बहुत यार सही वाला काम है, देखो ऐसे बोर्ड टक्कर खा जाती हैं एक दूसरे के साथ में, बड़ी मुश्किल है। कि सब देख रहे हैं किधर को जाएं, क्या करें। देखो फिर एक और एक और टक्कर, ये देखो भाई यहाँ पे चप्पू से बच के रहना पड़ेगा, चप्पू कोई भी चला सकता है। ये चलो देखो, ओहो हमारे बब्बू पाड़ी जी गिर गए, बब्बू पाड़ी जी गिर गए, पलट गए। उधर देखो उस कोने में, उधर उधर हेलो दीक्षा, दीक्षा कहाँ जा रहे हो, कौन सा परमिट है आपका? चप्पों से बच के रहना और झाड़ियों से बच के रहना, चप्पू भी पड़ जाता है। किधर जाना, किधर आपको? हमारे जो बब्बू पाड़ी थे वो गिर गए हैं उसमें पानी में। हम भी बच गए हैं अभी, बचते बचते अभी पहुंच जाए किसी ना किसी के एंड तक, ठीक है। वो बचा हुआ है, वहाँ तक जाना है हमें, तो पसीना बहुत आ गया है बोर्ड चला चला के, तो बच बचा के चलानी पड़ रही है। ज्यादा ही लफ्ज है कुछ तो के ज्यादा ही। वाह, तो ये है, तो फाइनली हमने काफ़ी मज़ा किया, हाफ एन आवर की ये कायाक जो है राइड है, वर्थ है, एंजॉय के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और बस ये है कि थोड़ा बच बचा के चलानी पड़ती बोट, क्योंकि एक दूसरी बोट बहुत टकराती हैं आपस में, पलट भी जाती है। पानी इतना गहरा नहीं है, तो 4-5 फीट पानी है, लेकिन फिर भी टक्कर हो ऐसे टक्कर हो जाती है, तो फिर करेगा क्या। हमारे साथ वाले उधर बैक ले लो थोड़ा सा। बब्बू पाड़ी जी गिर गए हैं, कोई नहीं, अब उठ गए हैं दोबारा से और ट्राई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ऐसा ना अभी ध्यान से करना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि अगला नंबर हमारा आ जाए। हैं क्यों शर्मा जी, बब्बू पाड़ी भी टकरा है। तो ये देखो, ये बब्बू पाड़ी जी ने कोना पकड़ लिया इन्होंने गिरने से बचने के लिए, ये कोना पकड़ के, देखो कोना पकड़ के निकल रहे हैं, ये कोना पकड़ के, ये देखो बाकी ये देखो ये भी आ रहे हैं, ये और ये, वाह वाह वाह, टक्कर मत कर रहा। टक्कर हो जाती है, टक्कर हो जाती है, देखो अब फिर से टक्कर मार दी है इन्होंने, है ना। तो आधा घंटा का हो गया और टक्कर मार रहे हैं, देखो फिर से मार दी आगे। तो बड़ा एक्सपर्ट होना पड़ता है, शर्मा जी हमारे एक्सपर्ट हैं, तो इसलिए हमने उनको ये सौंपा है, जिम्मेवारी सौंपी है हमने।
तो जी थक गए हैं, आधे घंटे में बस हो गई है। अब हम जा रहे हैं वापस, कायाकिंग कर ली है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम किया और काफ़ी अच्छा लगा, हमने लाइक किया, सबको अच्छा लगा और सबने इंजॉय किया। अब हम जा रहे हैं वापस, ये यहाँ पे वापस जाएंगे, वहाँ पे उनके बोर्ड दे देंगे और अपना शूज़ वगैरह पहन के फिर चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, कम से कम 100-200 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पार्किंग है, वहाँ जाना पड़ेगा। तो लेकिन वहाँ पे जाके व्यू जो है वो बहुत ही मस्त आने वाला है सनसेट का, क्योंकि आज वेदर भी क्लियर है और वो नहीं है, बादल नहीं है, तो काफ़ी क्लियर व्यू आने वाला है सनसेट का। तो थोड़ा सा अगर हम राइट से लेंगे ना, राइट से तो इधर से सी वी नज़र आएगा, अपना जो सन का ना व्यू नज़र आएगा यहाँ पे। ये देखो, ये रहा सन का व्यू, इधर देखो। तो बस, तो ये थी हमारी आज की ये वाली राइड, काफ़ी इंजॉय किया सबने। अब हम जाएंगे ऊपर, चढ़ेंगे धीरे धीरे, फिर उसके बाद में हम वापस जाएंगे रिसॉर्ट में, और रिसॉर्ट में जाके देखते हैं फिर क्या प्लान आगे का बनता है। तो उसकी अगली आपको आगे का वीडियो में करके दिखाऊंगा। ये तो ये अभी जा रहे हैं, अरे हमारा हुआ नहीं अभी हाफ एन आवर है। कैसा था? बढ़िया एकदम। कैसा लगा? अच्छा, बस उतरने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन टाइम बचे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं इधर उधर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इन लाइफ। अच्छा, कैसा लगा फिर? वेरी गुड वेरी गुड। मजा, हमारा प्लान था बाहर जाके खाना खाने का, डिनर करने का, लेकिन थक के काफ़ी लेट भी हो गए थे। तो अभी हम यहीं रेस्टोरेंट जो एल्कोव रिसॉर्ट है यहीं पे हम डिनर कर रहे हैं। हमने अलग ऑर्डर कर दिया है खाना, जो भी रोटी चावल है, तो अभी आएगा खाना, खाना खाएंगे उसके बाद में सो जाएंगे। तो कोई हिम्मत नहीं है अभी बाहर जाके खाना खाने की, लगभग काफ़ी लोग जो हैं यहीं पर खाना खा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, होगी नए दिन की शुरुआत। तो मैंने रूम आपको दिखा दिया था, लेकिन मैंने आपको बालकनी नहीं दिखाई थी इसकी, जो कि काफ़ी सबसे मेन पार्ट है इसका रूम का, जो सबसे बेस्ट है। अभी आज की मॉर्निंग है, आज हम यहाँ से इस बार एल्कोव रिसोर्ट से चेकआउट करेंगे और हम जाएंगे दूसरी जगह। दूसरी जगह कहाँ जाएंगे वो आपको मैं बताऊँगा। और आज अभी मैंने चाय रेडी कर ली है, तो अभी चलते हैं बालकनी में। तो बालकनी में व्यू दिखाता हूँ आपको सी का, और साथ में और समंदर का, सी का नज़ारा लेते हुए साथ में पीते हैं गर्मा गर्म चाय। तो आइए चलते हैं बाहर।